कैसा है आपका कमर? कैसे हो गए ऐसी हालत में काम? अजय पहला आप इस टाइल खाना में इतना अंगून का ठाड़ कर भेज दिया तजे की शीशे की लाश नहीं देखो भाई मतलब वो सब्सक्राइब अरे उमनी और फिर वो पहला और नंतिन ठीक ठाक तुम्हारे हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू एंडर ब्लॉग। तो गाइस आज सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं, सनराइज भी नहीं हो रखा है, ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए उठ चुका हूँ मैं। जस्ट हो ही रहा सनराइज, लाइव सनराइज देखोगे आप भी आज। मम्मी कैसा है आपका कमर? मैंने बोला था आपसे मेरे को उठा देना करके, मेरे को उठाया क्यों नहीं? कैसे हो गए ऐसी हालत में काम? चाय बनाओ आपके लिए। रोज मम्मी चाय लेके आती थी, मेरे को उठाती थी। अभी मम्मी से पूछता, मम्मी चाय बनानी है मम्मी? ओ सुबह सुबह दिक्कत, भैंस ने दूध भी लिया है। लो मी चाय। कहाँ, यहीं पे विश करोगे मम्मी की कमर जल्दी ठीक हो जाए यार, कमर में पीड़ हो रखी है मम्मी की। जैसी मम्मी की कमर हो रखी है अंदर से वैसी चारपाई भी कर रही है चट चट है कि वो पे तुम मैं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, खाना मांगने आ गए? ये चावल डाल के खाओ, झगड़ा मत करना। आओ तुम भी आओ, खा लो खा लो, फिर झगड़ा। वो उस पर गुस्सा आ गया उसको तो चलो चाय भी पी ली है और अब है काम। पहला काम झाड़ू लगाना, बाहर का आंगन का झाड़ू लगाना। तो चलो वहाँ से शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट एकदम डन कर दिया मैंने, गर्मा गर्म फुलके बना रखे मम्मी के लिए। मम्मी की कमर दर्द जिससे ठीक हो जाएगी। क्यों मामा, हैं फुलके खा के होगी कमर दर्द ठीक? क्या लगता है, 10 खा लूँ ठीक हो जाएगी? कसम से हैं, खा ली ली 10 अगर खा लेती है मम्मी तो तब तो फिर एकदम सरपट दौड़ने लगेगी ना। ये मेरी रोटी जल गई यार बेटा, मिनट मम्मा। ये देखो ऐसे फुलकी बनाता हूँ मैं। मम्मी की कमर दर्द है तो भैया सबकी हालत खराब कर रखी है, घर पे काम नहीं हो पा रहा है इसकी मम्मी की कमर दर्द की वजह से। खुद नहीं कर पा रही है, हम लोग जिस हिसाब से मम्मी जिस हिसाब से करती है उस हिसाब से हम काम नहीं कर पाते हैं, पसंद का काम नहीं होता है इसीलिए। तो ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। मम्मी के दवाई खाने का समय, जब असहनीय हो जाता है तो तब मम्मी को दवाई खानी पड़ती है। चलो फिर हाँ, सिलेंडर लाना है फोन पर। ठीक है ठीक है ओके। मम्मी को थोड़ा अभी हिंदी बोलने की आदत डाल रहा हूँ क्योंकि मम्मी कंटिन्यूसली पहाड़ी बोलती है तो मम्मी से हिंदी नहीं हो पाती। क्यों नहीं आती हिंदी? क्या बता, क्यों बना रहा मेरी? कहाँ जा रहे आप? घास काटने जा रही है। मैं मजाक थोड़ा बना रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मम्मी जिस टाइम पे पहाड़ी बोलती है कंटिन्यूसली तो हिंदी नहीं होती है, कभी कभार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है अच्छा, तो आदत शुरू से पहाड़ी बोलने की है। अभी ठीक लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है दवाई खा के? खाते खाते क्या होता है, अभी तो दर्द है। चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो ठीक है फिर, मेरे को कॉल करना, मैं आऊँगा। ठीक है। 9 बज रहा है, 9 भी नहीं बजा अभी। मम्मी गई खेत की ओर, घास आस काटेगी, उसके बाद जब मम्मी घर आने वाली होगी तब मेरे को कॉल करेगी, तब जाऊँगा मैं सिलेंडर लेने। तब तक थोड़ा कुछ काम है, बर्तन बर्तन तो धो दिए गए, थोड़ा काम है कपड़े धोने का, वो धो लूँगा मैं, बात दूंगा। चलो फिर आराम से जाओ। हाँ ओके बाय बाय। हेलो हाँ मम्मी आ गया, बस ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे फैमिली के काम आ सकते हैं ना, इसीलिए तो घर पे रहने का कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो इसीलिए फटाफट से मैं निकलता हूँ अभी ताजी रूम के यहाँ पे।
और ऊपर पहुंच के ताई जी लोगों के साथ में थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, कुछ जोक को मारता हूँ, कुछ ऐसी बातें करता हूँ जिससे वो भी हंसे और आप सबको भी थोड़ा एंटरटेन कर पाऊँ। चलो, चाची ने हमारे गांव में सबसे पहले गेहूँ काटना शुरू किया। फर्स्ट आ तुम लो फसल जो फसल ना रहे खाली रहो, देख रहो पूरे खेत में खाली फसल नाम की। जेएच के कॉटेज पहुँच गए है, ये अलार्म दे दिया इसने। अजय पहला आज इसी एम के साथ आता कि मैं थोड़ा हंसी मजाक करूंगा। हेलो सर, और गई जाओ खाला जी, ये जनेऊ के संगाओ है। बराबर चल लो, एगो नाश्ता, स्वास्थ्य पान सब ठीक ठाक, नेटवर्क सब ठीक ठाक तुम्हारे? ज्ञान की बातें शेयर कर रही हूँ मम्मी भाभी, गुड मॉर्निंग। पहला बहुत पहला, और नंतिन ठीक ठाक तुम्हारे? जी बोल, जो आ गया था जी खेत में पर तेरे ख्याल जी बोजू से भी मिलके आते हैं। है गो नाश्ता, ताऊ जी इधर काम कर रहे अपना लगाड़ फंडना ही ओढ़ा ही। अरे ताऊ जी पानी लगाने का काम कर रहे हैं, ताऊ जी पानी लगोड़ा ना खाली क्या ओढ़ा लगाड़ फंडना। पानी बे गजो मांगन बे जेठा में पानी है क्या हनी भाईयो ध्यान रे सी पैरो ताई जी का छुटन लेने रे पानी ना जा खा कर ले। आप इस टाइल खाना नहीं तो यों उनका ठाड़ कर बीत गया तजी की शीशे की लाश नहीं है। अजानता सुनो, रोब लगाए कती दुगले जनी बहना ओ होय रोब फिर क्यों नहीं होय, ये तानो हैवे नहीं कल नहीं बहवा ये काला कोई पान छपकाओ काला को सूती पान हाल ओ बाबू फिर पान उनी होय ओ होय आजकल की बहुओं की बातें। और ओ माय गॉड कुरान है ओय ओ भाई जान बुआरी से क्या रानो बॉम्बे हीरोइन है कम नाम चलाया बाबा इंग्लिश में बुलाना चाने ताई जी चाने गरम रहो। ये थी ताई जी के साथ हंसी मजाक के दो पल। ये है सिलेंडर, टेक केयर, मिलते हैं। जेज को बाय बोल के चल पड़े हम घर की ओर, मैं आगे आगे चल रहा हूँ सिलेंडर लेके, मम्मी आ रही है हमारे पीछे पीछे। थैंक गॉड पहुँच गया घर। जब भी सिलेंडर आता हूँ ना हमेशा ऐसा होता है कि मेरे गर्दन में नस चढ़ जाती है, तो अभी तो हल्का फुल्का पेन हो रहा है ऐसे भारी वजन की वजह से, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल सुबह तक पक्का ऐसे गर्दन वाली दर्द हो जाएगी शुरू, जैसे कि पिछली बार हुई थी। मन्नू के जनेऊ के स्वांग आ गए, मन्नू का परसों जनेऊ हुआ था ना मनीष का, उसके स्वांग पहुंच गए। नॉर्मली स्वांग में होती है ये पूड़ियाँ, पापड़ वाली टाइप की पूड़ियाँ, और सबसे मेन ये तिल वाले लड्डू, गुड़ और तिल के लड्डू, ये काले तिल के पापड़ के हाथ में एकदम बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बैठता है उनका। बाकी सारा संघर्ष अपन से हो सकता है, बट एक जो संघर्ष नहीं हो सकता वो ये है दिन में भात खाने के बाद बर्तन धोने का संघर्ष, जो कि मम्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता इतनी धूप में। मम्मी ऊपर से बोलती कि मेरे को ठंडा लग रहा है, मेरे को तो भैया धूप से हालत ख़राब हो जाती है बैठे बैठे यहाँ, इसलिए मैं छाया में ही बैठे रहता हूँ। जैसे कि गर्मी शुरू तो मेरे कपड़े भी चेंज हो गए अभी दिन के टाइम के। चलो मम्मी फिर रेस्ट करो, हाँ इसके बाद मम्मी मनसा के याद रेस्ट करेगी, मैं भी सो जाता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। मैं तो एकदम मस्त करके नींद काट रहा था,
निर्मल दास दिन में से कॉल करने में 2-2.5 बजे से, निर्मल दास के पास सिर्फ मेरा नंबर, घर पे भी किसी का नंबर नहीं है। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ घूमने के लिए, घूमने के पर्पज से ही निकल रहा हूँ अभी। तो अभी हम जा रहे हैं निर्मल दास और मैं